Cheers. So Tony and I have been together for almost 15 years now, and the third one in the relationship has always been food. We are both pakka non-vegetarians, and that's something over which we bond. Tony matlab asli wala foodie hai. Wo na khata hai, peeta hai, pakata hai, khilata hai. Tony loves cooking, and lucky for me, he's really good at it. Namak zyada hai. Sonali, क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए. खाना वो बना लेती है. शी इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल इन हर फूड मेकिंग एंड शी रियली बेक्स वेल. सो दीज डेज वी हैव बीन एट होम एंड वी हैव बीन कुकिंग टुगेदर. इट्स बीन फन, बट देन वी रियली मिस गोइंग आउट समटाइम्स एंड वी इवन मिस द थिंग्स दैट वी यूज्ड टू टेक फॉर ग्रांटेड लाइक KFC चिकन. सो टुडे वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू मेक फ्राइड चिकन एट होम एंड कंपेयर इट टू KFC चिकन. And we are going to judge it based on 4 things: the price, the time and effort taken, the taste, and the calories. So today's video is KFC versus HFC, Kentucky Fried Chicken versus Home Fried Chicken. I was thinking, cook to hum kar hi lenge. Agar wo hum ghar pe banate hain. तो कितना स्पेंड हो रहा है हमारे लिए? बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ पीपल से KFC महंगा हो गया यार, 4 पीस चिकन के लिए 300 रुपए, उतने में तो एक पूरा चिकन आ जाएगा. पीपल कीप सेइंग ऑल ऑफ दैट. सो लेट्स सी ना. आई थिंक इट शुड बी चीपर टू मेक इट एट होम. यप. ओके लेट्स सी. कैलकुलेटिंग. ये बोनलेस साइज ऑर्डर करो ना, ये बोनलेस विल बी बेटर. और प्राइस भी बोल दिया उसका भी सेम, इसका भी सेम. अभी हमने चिकन ऑर्डर कर लिया है. KFC chicken आता है $350 for 4 pieces and for an 8-piece bucket it's 500 rupees. Now what we spend basically was just 250 rupees to buy 500 grams of chicken. 500 grams of chicken would be roughly around 4 pieces of KFC chicken. 500 grams कितना होता है? How many pieces होते हैं? 500 grams is enough for both of us. Apart from that, बाकी जो ingredients है, I'm not counting the cost of those ingredients because these are mostly things जो घर पे होते हैं. घर पे होता है, बिल्कुल. Yeah, so like chili powder होता ही है घर पे, salt, pepper, and coriander powder, corn flour, धनिया तो होता ही है in all Indian households. चलो, while we are waiting for our chicken to get delivered, oh and whatever it is, जो भी recipe है, उसमें फिर rum डाल दें. तुम तो किसी में भी rum डाल दो. हमारा बस चले तो चावल में रम, दाल में रम. ये रम वाला टी शर्ट देखो मैंने खरीद के दिया है आपको. नाना नाना खरीदा. तो आई वुड से प्राइस वाइज होम फ्राइड चिकन विंस एंड KFC चिकन लूजेस. रिसर्चिंग. श्योर. How is KFC chicken made? KFC ने आंसर किया है, our fresh chicken is carefully hand breaded and rolled 7 times. 7 times मुझे सुनके मुझे नींद आ रही है. 7 times. यार इतना मेरे पास नहीं है. कनोला ऑयल हमारे पास नहीं है. वो क्या होता है? तो हम लोग कौन सा ऑयल यूज करेंगे? What oil we have? We have sunflower gold. It looks simple enough. It's just buttermilk, eggs. उसमें बस एक ही हर्ब डाला है इन लोगों ने, विच इज रोजमेरी. बट सोनाली कोई रेसिपीज फॉलो नहीं करती कभी भी. सोनाली ऑलवेज डज हर ओन थिंग. सो आई एम गोइंग टू ऐड मोर स्पाइसेस. स्पाइस नहीं, हर्ब्स. आई एम गोइंग टू ऐड मोर हर्ब्स. टोनी इज सेफ. ओके, ही विल ऑलवेज डू द सेफ थिंग, गो बाय द रेसिपी. आई एम लाइक रिबेल. मैं अपना चीज करेगा. मैं ये नहीं, आई ट्राई टू डू डिफरेंट स्टफ बट इट्स मोस्टली विद द देसी स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन. KFC सिंस आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट वांट टू यू नो एक्सपेरिमेंट मच. अरे जानी, एक्सपेरिमेंट में तो मजा है. अरे इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं. चलो चलो, लेट्स स्टार्ट. यू लुक वेरी एक्साइटेड. यस. Hi Baba. Hello. How are you? What's up? What's Hi Tony. So Baba. Baba is going to help us shoot the video because he's good with camera and everything. And I'm really bad at this. And Tony ko to kuch bhi nahi pata hai. Ingredients: there's eggs, ginger, garlic, lemon, cardamom, whole lot of spices, milk, and the chicken. Ta ta ta. Put 3 cups. Now I have to put lemon juice in it. And wait for it to curdle. 5 minutes you have to wait.
या ये अगर मिल्क का बटर मिल्क नहीं हुआ ना देन वी आर स्क्रूड, देन यू हैव टू रन एंड गेट बटर मिल्क। मैं तो कह रहा था बाहर से ले आते, तुमने ही बोला कि घर पे बनाएंगे। यार होम मेड तो उसका टेक्सचर अच्छा लग रहा था ना वीडियो में एकदम। बटर मिल्क इज फाइनली डन आफ्टर द लॉन्गेस्ट 5 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। इन लोगों ने हर्ब्स के नाम पे तो बस रोजमेरी डालने को बोला था, बस मैं तो मानती नहीं हूँ किसी बात। सॉल्ट एंड पेपर लास्ट थिंग्स टू ऐड। अब टाइम सीक्रेट इंग्रेडिएंट का नहीं है, अब टाइम है अपने हाथों का जादू दिखाना। दिस मैरिनेट इज फाइनली डन, स्टार्ट पुटिंग द चिकन इन। Everything was right except for हमने 1 कप ज़्यादा दूध डाल दिया तुम्हारे कहने पे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। Now time to put this in the fridge. यार भूख लग रही है। बहुत time बचा है अभी। Four hours later, finally the marinade is done. और आधा घंटा बैठना है इसको। 4 घंटा। So आपको ये वाला तुम बनाओगे ना, the dry mixture. Yep. Garlic powder you have to add. My favorite thing. ये आदमी थोड़ा piquantly हो चुके हैं। अभी मुझे इनसे कम ही expectations हैं। Because you know like it's like going there. कच्चा खा जाओ इसे। बहुत सही smell आ रहा है। This is the third time, no? Yeah. ये तीसरी बार है एंड वी हैव टू डू इट 7 टाइम्स। सो एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस एंड देन यू हैव टू डिप दिस इन कोल्ड वाटर ताकि वो चिपक जाए एंड देन गो बैक टू लुक एट दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ चिकन दैट्स रेडी टू गो इन द फ्रायर। चीयर्स। फर्स्ट वन इज गोइंग इन। Can you see how beautiful that is? And Tony has put the one जो मैंने prepare किया था, because इसको खुद पे भरोसा नहीं है। कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत भूखा हूँ। अभी मेरे से ज़्यादा सवाल ना कीजिए। ये बनते ही सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। अभी तो बोल रहे थे जो बीवी से पर करे प्यार। दो डाला है ना? दूसरा खा लेना। हेलो, क्या कर रहे हो? I'm seeing if अंदर तक पका है कि नहीं। पेशेंस रखेंगे आप? कुकिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। छोटा वाला मैं खा लूं। क्यों क्यों? One thing which people do and you should never ever do is not leave the kitchen alone when you're frying something. Never ever do that. Be in the kitchen, stick to it, no matter how long it takes, half an hour, 1 hour, just stick to it, you'll get good results. Time taken or the effort. Effort, KFC wins, home fried chicken loses, simply because हमें काफी time लगा पहले research करने में, उसके बाद chicken order करने में, फिर marinate करने में 4 घंटे। But I think as we if we make it again तब इतना time नहीं लगना चाहिए, because now we know कैसे करना है and किस चीज पे time लगेगा, तो कब पहले prepare करना है। If you plan it out properly, I think वो हो जाना चाहिए। So yeah, effort और time wise I think KFC wins and home fried chicken loses. After like 10,000 years of waiting, our chicken is finally done. And can you see like a little bit of the juicy chicken? I think it looks quite damn juicy. Damn easily and it's very juicy. The texture looks really good. I think we have successfully the Kentucky type chicken. Yeah, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, so I would rate our cooking 15 out of 10. This काफी मस्त लगा मुझे। What about you? I'll be more realistic. I think it's 8 out of 10. That soft thing got me a bit off the hook, but yeah, otherwise it's good. So what we can do is we can make someone taste it and get his or her opinion so that it's impartial. Yes. बाबा बैठा हुआ है, हमारा वीडियो शूट कर रहा है, पूरा दिन ही मतलब लाइक रियली हंग्री एज इट इज। बाबा खिलाते हैं। बाबा कम एंड ईट। टेस्ट प्रीटी मच लाइक द केएफसी चिकन, बट आई कैन टेस्ट अ लॉट ऑफ फेनिल इन इट। द टेंडरनेस इज एवरीथिंग द सेम। आई गिव इट 9 आउट ऑफ 10। इट्स यम। यू गाइस नीड टू ट्राई दिस।
snacks. Yo. Taste wise, I think yes, we have been successful. And I would say we did a better job than KFC when it comes to taste. Because KFC is like all hot and crispy and all. But then I think there's that flavor lacking which was there in our home fried chicken, right? Yes. KFC, if you are hiring, then we are available. Yeah, but we'll charge a lot, huh? Just saying. Because like, they cook better than you guys. Yeah, and all the best looking for our secret ingredient. Mm-hmm. But anyway, so I think KFC versus home fried chicken taste, we win, right? Ting. Boom. किसमें ज्यादा कैलोरीज होता है, केएफसी चिकन में या होम फ्राइड चिकन में? सो बेसिकली 4 पीसेस ऑफ केएफसी इज हॉट एंड क्रिस्पी वुड मीन अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ चिकन. अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज होते हैं इन 1 पीस ऑफ केएफसी चिकन, व्हिच मींस अराउंड 1200 कैलोरीज होते हैं इन 4 पीसेस और 500 ग्राम्स ऑफ केएफसी चिकन. बट इन द होम फ्राइड चिकन दैट वी मेड, देयर वर अ टोटल ऑफ 923 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली फॉर 500 ग्राम्स ऑफ चिकन. सो एक्चुअली घर पे जो हमने it is not 900 or whatever she said. The actual calorie count is lesser than that because humne physically kafi mehnat bhi kari hai. We were running around the whole house doing this, doing that. While waiting also we were not sitting at one place. So yeah, I guess it's lesser than what you have calculated. ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग यू थिंक ऐसे कैलोरी बर्न होता है बस यहाँ से उधर. लाइक टोनी को लगता है आप बेड से किचन तक चले जाओ 10,000 कैलोरीज बर्न. माय जॉब इज डन. ये है तुम्हारा. मैं तो मैथ स्टूडेंट हूँ. सो फाइनली द डे हैज कम टू एन एंड आफ्टर सक्सेसफुल pretty much successful, but then it just took us the whole day. I don't understand. Like, itna time to nahi lagna chahiye, but the ordering, the marination, the waiting, sab kuch karne mein pura din nikal gaya. So, the 4 hours of marination took up the maximum time. So maybe like if you want to make fried chicken or something, like ek din pehle tumko prepare karna padega ki tum chicken laake rakho, marinate karke rakho, so that subah uthte then you can make it. वो बनाने वाला इतना टाइम नहीं लगता है, राइट? That's it. Frying doesn't take much time. Frying will take like what? If you have like around 5-6 pieces, then it will be like half an hour or 40 minutes. 40-45 minutes max. But then the prep time is too much. Yeah. Rolling, you're rolling. No, you have to say that. Like, share and subscribe to OK Tested. And next, what should we cook? Comment down below. Wait, don't go. Hey, we forgot to tell them about the app, yeah. Please download our app which is on Google Play Store and अभी तो iOS में भी आ गया है, so you should definitely go and download it because you get a lot of exclusive content and you also get to watch this video and all our other videos 24 hours पहले. 24 hours exactly how much time it took us to make fried chicken. नहीं, ये तुम्हारा है. वो तुम्हारा है. आटा तुमने छाना था, मैदा.